भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल थाना पुलिस ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जिसमें 40 टन सीमेंट से भरा कैप्सूल ट्रक पंजाब से विकासनगर के लिए चला और बीच रास्ते में ही खराब हो गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक ट्रक, 690 सीमेंट के कट्टे, दो ट्रैक्टर ट्रॉली और 83,000 रुपए भी बरामद किए। बता दें कि भगवानपुर थाना पुलिस को बीते शनिवार को परमजीत सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर बालाहरी कलन थाला फतेहगढ़ साहिब जिला फतेहगढ़ पंजाब द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर में बताया गया कि ट्रक में लगभग 40 टन सीमेंट भरकर विकासनगर के लिए चला था, लेकिन सीमेंट विकासनगर देहरादून नहीं पहुंचा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ट्रक में लगे जीपीएस से पता चला कि ट्रक भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के पास खड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को भगवानपुर को मोहड़ी चौक से गिरफ्तार कर लिया। भगवानपुर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। परमजीत सिंह निवासी फतेहगढ़ पंजाब के द्वारा थाना भगवानपुर में आकर ये तहरीर दी गई कि उनका चालक सावेज उर्फ साजेब जो ट्रक कैप्सूल लेके जिसमें 40 टन सीमेंट भरा हुआ था रोपड़ अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से विकास नगर के लिए चला था, लेकिन उनके ट्रक की जीपीएस लोकेशन विकास नगर ना होकर वहाँ पहुँची नहीं और उसका लोकेशन सिकंदरपुर आ रहा। मुझे शक है कि इनके द्वारा चोरी करके चीज़ें बेच दी गई हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में एसएसआई भगवानपुर के निर्देशन में चीज़ें टीमें गठित की गई और उन टीमों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जानकारी जुटाई गई तो पता चला।